एक साइक्लोन होने वाला है अरेबियन सी में और इसका इम्पैक्ट नॉर्थ महाराष्ट्र और गुजरात कोस्ट में होने का उम्मीद किया जा रहा है। आज सुबह एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट अरेबियन सी और लक्षद्वीप एरिया के आसपास फॉर्मेशन हुआ है। हमारा उम्मीद है कि कल तक ये एक डिप्रेशन में परिणत होगा और परसों तक ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो सकता है और ये धीरे धीरे लगभग उत्तर की दिशा में गति करेगा और 3 तारीख शाम तक ये गुजरात और नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट के आसपास पहुंचेगा और कहाँ ये तट को पार करेगा इसका हम जानकारी देंगे जब ये डिप्रेशन में परिणत होगा। अम्फन की तरफ इतना इंटेंस होगा कि नहीं ये तो हम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक साइक्लोन होने वाला है अरेबियन सी में और इसका इम्पैक्ट नॉर्थ महाराष्ट्र और गुजरात कोस्ट में होने का उम्मीद किया जा रहा है। हम इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सूचित कर रहे हैं। मॉनसून हैज नॉट सेट इन ओवर केरला सो फार, वी आर मॉनिटरिंग इट। All the favorable conditions we are expecting to develop from tomorrow onwards, that is from 1st June onwards. And accordingly, we will find out as and when all favorable conditions are satisfied, we will declare monsoon over Kerala.